बीज और किसान की कहानी। फसल कटने के समय गांव में हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। सभी तरफ खुशहाली नजर आती है। इस खुशहाली तक पहुंचने के लिए एक किसान बीज को बोने से लेकर फसल के कटने तक बहुत श्रम करता है। इस वीडियो के उद्देश्य हैं बीज की यात्रा को समझना, खेत से रसोई तक। भैया बहुत भूख लगी है। बस घर पहुंचने ही वाले हैं। माँ गर्मा गर्म रोटियां बना रही होगी। माँ हमें भूख लगी है। हाथ मुंह धोकर रसोई में आ जाओ। ये क्या है माँ? जिस अनाज को खाकर खेलने और पढ़ने की ऊर्जा मिलती है, तुम्हें उसी के बारे में बताती हूँ। श्याम हैरानी से बीजों को देखते हुए, माँ तुम तो हमें खाने के लिए रोटी सब्जी देती हो। यह जो रोटी अभी खा रहे हो, इसी अनाज से बनी है। ये तो मोटे मोटे बीज हैं, जो कि रोटी में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैंने इन्हें चक्की में पीसकर आटा बनाया, फिर आटा सान के रोटियां बनाई। जल्दी से खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें बीज की खेत से रसोई तक की कहानी सुनाती हूँ। बीज कैसे पैदा होता है, उसे किसान कैसे कीटों से बचाकर सबके घरों तक पहुंचाता है। दोनों भाई जल्दी से खाना खत्म करते हैं। चलो तुम्हें तुम्हारे पिताजी के खेत ले चलती हूँ, जहाँ यह अनाज पैदा होते हैं। खेत पर पहुंचकर दोनों बच्चे अपने पिता से उत्सुकता से बीज के बारे में पूछते हैं। पिताजी हमें बीज की फसल के बारे में बताइए। आप इन्हें कैसे उगाते हैं, कैसे इन्हें कीटों से बचाते हैं और सब कुछ। अभी बताता हूँ बच्चों। यह रोटी जो माँ ने आज बनाई थी, वो बाजरे से बनी थी। बाजरा एक अनाज है जो हमारे देश में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि में पैदा होता है। बाजरे की तरह ज्वार, रागी, काकुम आदि के भी बीज होते हैं, जिससे तरह तरह के स्वस्थ आहार बनते हैं। स्वस्थ आहार जैसे दलिया, पोहा, पराठा आदि अलग अलग प्रांतों के अलग अलग आहार हैं। सबसे मजे की बात है कि इस बाजरे को उगाने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह राजस्थान और गुजरात के रेतीले हिस्सों में उगता है। इसे सूखा प्रतिरोधी अनाज भी कहते हैं। पिताजी हमें तो ये पता ही नहीं था कि ऐसे पौधे भी होते हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। पिताजी बीजों और किसानों के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। ठीक है बेटा, किसान तो जब खेत की जुताई करता है तभी से खुशियां मनाने लगता है। जुताई क्या होती है पिताजी? किसान सबसे पहले खेत में हल या ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी की ऊपरी परत को चीर कर पलट कर उसे बुआई के योग्य बनाता है, जिसे जुताई कहते हैं। इसके बाद क्या मिट्टी में बीज डालता है? हाँ बच्चों, इसके बाद बीज बोता है, फिर समय समय पर और सही मात्रा में सिंचाई करके फसल के तैयार होने का इंतजार करता है। सिंचाई का क्या मतलब होता है पिताजी? बेटा मिट्टी को कृत्रिम
यानी आर्टिफिशियल रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। पिताजी, इन बीजों की फसल जब तैयार होती होगी तो लोग बहुत खुश होते होंगे। हाँ बच्चों, फसल कटने पर लोग अलग अलग प्रांतों में अलग अलग फसल के त्योहार मनाते हैं। जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो कौन सा त्योहार मनाते हैं? मकर संक्रांति। इसी तरह से पंजाब में लोहरी, असम में बिहू इत्यादि त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, क्या आप भारत के दूसरे प्रदेशों में मनाए जाने वाले फसल के त्योहारों की सूची बना सकते हैं? फसल कटने पर लोग नाचते गाते और खुशियां मनाते हैं। बहुत अच्छा। जब फसल कट जाती है तो अनाज को घास से अलग करते हैं, जिसे मढ़ाई कहते हैं। इसके बाद ओसाई के द्वारा भूसे से अनाज को अलग करते हैं। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अनाज हमारी रसोई तक कब और कैसे पहुंचता है? अभी तो इसे संग्रह करने का काम होता है, नहीं तो इन्हें कीट खराब कर सकते हैं। अनाज का संग्रह कैसे करते हैं? अनाज को भूसे से अलग करने के बाद अच्छे से सुखाकर इन्हें मिट्टी के धातु के बड़े बड़े बर्तनों में या बोरों में भरकर गोदाम में रखा जाता है। फिर वहां से व्यापारियों द्वारा खरीदकर दुकान ले जाया जाता है, जहां से लोग इस अनाज को खरीदकर अपने घर लाते हैं। आखिर पहुंच ही गया अनाज हमारे घर। पिताजी, पहले के जमाने में दादाजी, नाना जी लोग कैसे बीजों का संग्रह करते थे? बच्चों, आप भी सोचो कि पहले जमाने में इन बीजों का संग्रह कैसे किया जाता था। बड़े बड़े कमरों में बड़े बर्तनों में इनका संग्रह किया जाता था। कुछ अच्छे बीजों को सूखी लौकी में डाल के मिट्टी से लपेट कर रखा जाता था, जिनका इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी की फसल को उगाने के लिए होता था। एक बार मैंने अपने पिताजी के साथ मिलकर एक लकड़ी का बक्सा बनाया, जिसमें 3 से 4 खाने थे। सभी खानों को हमने अलग अलग अनाज से भर दिया और कीटों से बचाने के लिए नीम के सूखे पत्ते डाल दिए। आजकल किसान ज्यादा फसल उगाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाई डालने लगे हैं, जो फसल के लिए अच्छा नहीं है। अब देसी तरीकों का इस्तेमाल कोई नहीं करता। क्या रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाई फसल के लिए हानिकारक होते हैं? हाँ बेटा, इनका उपयोग मिट्टी को अम्लीय बनाता है, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन में कमी आने लगी है। यह तो चिंता का विषय है। अगर हम जैविक खाद जैसे गोबर से बनी खाद या सब्जी, फसल के छिलकों, सूखी पत्तियों आदि से बनी खाद का इस्तेमाल करें तो मिट्टी को नुकसान से बचाया जा सकता है। माँ, हम आज ही घर के आंगन में एक खड्डा खोदकर उसमें सब्जी फल के छिलके, सूखी पत्तियां इकट्ठा करेंगे, जिससे कि हम जैविक खाद यानी के कंपोस्ट बना सके और अपने बाकी किसान भाइयों को भी यह करने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल बच्चों, हम यह जरूर करेंगे। पिताजी, हमारे मास्टर जी ने बताया कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हाँ बच्चों, हमारे देश में 50% लोग कृषि से जुड़े हैं और हम संसार में फल उत्पाद में दूसरे स्थान पर हैं। सच पिताजी? हाँ बच्चों। पिताजी, हम दोनों भाई चाहते हैं कि बड़े होकर पढ़ लिख कर हम अपने किसान भाइयों को कृषि करने की नई तकनीकों से अवगत कराएंगे।
जिससे वो कृषि उत्पाद को बेहतर कर सके और हमारे देश को संसार में पहली पायदान पर ला सके। यह गरीबी हटाने में भी कारगर होगा। वाह बच्चों, यह एक बहुत अच्छा विचार है। बच्चों, आज तुमने अपने पिताजी से बीज की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर ली है। चलो अब घर चलते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।